जनपद अमरोहा ब्लॉक जोया क्षेत्र के गांव धनोरी अहिर में ग्राम प्रधान मोहम्मद नासिर अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्य की गंगा बहा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ग्राम पंचायत में दो गांव सम्मिलित है, जिसमें चक धनोरी और धनोरी अहिर दोनों गांव में सफाई कर्मचारी के माध्यम से रोजाना साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसी तरह से ग्राम पंचायत में नाली खड़ंजे नलों का रिवोर कार्य भी करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में शुल्ब शौचालय पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया है और अब पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि 10 तारीख को मतगणना होनी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो भी बनेगी, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी वह ग्राम पंचायत में लगाई जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य किया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद नासिर, ग्राम प्रधान धनोरी ही। पहले तो साफ सफाई, सैनिटाइजर, फोगिंग वगैरह ये सब कराए हैं और सरकारी नलों की रिपेयर और शौचालय, हमारे समुदाय शौचालय तैयार है। साफ सफाई पंचायत भवन हमारा कम्प्लीट हो चुका है, टाइल्स भी आ चुकी है, सब करा चुके हैं। गांव का जो भी विकास है, अब आने वाली सरकार के बाद जो जिसकी भी आएगी सरकार, वो काम जो भी कार्य हमें मिलेगा वो पूरा कराया जाएगा। हाँ, नाली मरम्मत, खड़ंजे, इंटरलॉकिंग जो भी होगा सब कराया जाएगा। फारूक कहाँ के रहने वाले? धनोरी। अच्छा अच्छा है, पहले से साफ सफाई भी, पंचायत घर भी बन रहा है। हमारे पहले पंचायत घर भी रुक गया था और जो गाँव में साफ सफाई नहीं हो पाती थी और शौचालय में भी सफाई नहीं हो पा रही थी, सफाई अब बेहतर है पहले से और काम भी बहुत अच्छा कर रहे प्रधान जी। और सड़कें भी करा दी हैं जो रह गई थी, और जो रह गई हैं वो भी पढ़ेंगी। और 10 तारीख के बाद में जो काम रुका हुआ है, देखो सरकार आती है उसके बाद में जो पैसा मिलता है प्रधान जी, वो अच्छे से काम करेंगे प्रधान जी। इकलाई कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, गाँव में नाली खड़ंजे भी कराए हैं और नलों की रिपेयर भी कराई है और जो है कोई ऐसी गड़बड़ भी नहीं है। शौचालय भी जो है साफ सफाई से रह दिया है और पंचायत घर भी जो है अच्छे से बन रहा, ये टेंस रखी है और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। और नल की जो है बहुत अच्छे से रिपेयर कराए, झगड़े भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई झगड़ा होता है तो ये गांव में ही अपना निपटा देते हैं, कोई पुलिस के पास ऐसा केस नहीं जाता है।